हाँ जी नावेल नावेल उपन्यास को कहा जाता है। उपन्यास पढ़ने से और आज की फिल्मी दुनिया की बनी हुई फिल्म देखने से आत्मा का सबसे ज्यादा पतन होता है, ऐसे बाबा ने मुरली में बताया है। का माना कोई आत्मा होती है कि अपने आत्मा के अंदर की संस्कार ये रावण है। रावण का चित्र बनाते हैं, बनाते हैं या नहीं बनाते हैं? तो चित्र किसका बनाया जाता है? जिसने कोई चरित्र किया हो उसका चित्र बनाया जाता है, या जिन्होंने कोई चित्र किया ही चरित्र किया ही नहीं उनका चित्र बनाया जाता है? इसका मतलब रावण का जो चित्र बनाया हुआ है उसमें 5 विकारी सिर दिखाए गए हैं। 100% विकारियों के चित्र बनाए जाते हैं या परसेंटेज वालों का चित्र बनाया जाता है? नंबरवार तो विकारी होते ही है। तो जो सबसे ज्यादा विकारी होते हैं, 100% विकारी कोई तो होते होंगे कि नहीं होते होंगे? जो 100% विकारी हुए हैं उनके चित्र रावण के रूप में बना दिए। रावण के जो 5 सिर हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, वो 5 सिर मूल हैं या उनको भी जन्म देने वाला कोई है? कौन है? देह अभिमान। रावण के चित्र में वो 5 विकारों का बाप किस रूप में दिखाया जाता है? गधे के रूप में दिखाया जाता है। वो गधे का पार्ट कौन है? जिसकी बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठता है तो टीचर या बाप कहता है तुम तो गधे हो। कितनी सहज ज्ञान की बात है कि कृष्ण बच्चा गीता का भगवान नहीं हो सकता। भगवान जो राजयोग सिखाता है जिसमें राज भरा हुआ है वो राज की बातें बच्चा बताएगा या बड़ा बताएगा? बाप ही बताएगा। बच्चा बुद्धि कैसे बताएगा? तो इतनी सी बात भी बुद्धि में नहीं बैठती तो तंग होकर के टीचर या बाप कह देते हैं तुम तो गधा हो। तो वो गधे का पार्ट रावण के चित्र के ऊपर रखा हुआ है। उस गधे की रहबरी में, छत्र छाया में ये 5 विकार पलते हैं। ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा दागी है या बेदाग है? सूर्य में दाग होता है या चंद्रमा में दाग होता है? चंद्रमा में दाग होता है।
वो दागी चंद्रमा उसके नीचे जो रहबरी में रहे पड़े बच्चे हैं, उसकी गोद में पले हैं। किसकी गोद में? ब्रह्मा की गोद में। वो कौन कौन से बच्चे हैं? शास्त्रों में भी दिखाया है कि ब्रह्मा ने वरदान दिए। किसको ज्यादा वरदान दिए हैं? असुरों को वरदान दिए हैं। ये काम है, ये क्रोध है, ये लोभ है, ये मोह है, ये अहंकार, ये बड़े बड़े असुर हैं। इन असुरों को गोद में पाला भी है और पालने के साथ साथ उनको वरदान भी दिए हैं। चंद्रवंश के बाद कौन कौन से धर्म आते हैं? इस्लामी बौद्धिक क्रिश्चियन। कामी इस्लामी, क्रोधी क्रिश्चियंस, लोभी मुस्लिम, मोही महर्षि दयानंद, आर्य समाज, ये बड़े बड़े विकार हैं। जो कमजोर गोद में पलते हैं, ऐसी गोद जिसने भगवान बाप को नजदीक होते हुए भी नहीं पहचान पाया, एक मुरली ने बोला बाबा कि पांच विधर्मी ब्रह्मा वत्स जो 100% विकारों को धारण करने वाले हैं, धर्म पिताएं कहो, धर्म पिताओं के आधार मूर्त कहो, धर्म पिताओं के बीज मूर्त कहो, ये रावण के रूप बन जाते हैं और इनसे रावण का चित्र तैयार हो जाता है। इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी में जो भी जन्म लेते हैं वो सब नंबरवार भूत हैं, जन्म जन्मांतर के पापी हैं, क्योंकि भगवान बाप को नहीं पहचान पाते, इसलिए कर्म अकर्म विकर्म की गति को नहीं जान पाते। न जानने के कारण मनमाने कर्म करते हैं और मनमाने कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं, तो पाप उनके ऊपर ज्यादा न बढ़े इसलिए उनको सूक्ष्म शरीर, भूत प्रेत का शरीर धारण करना पड़ता है। ये भूत प्रेत फिर दूसरों में प्रवेश करते हैं। ये जितने भी विदेशी आत्माएं ऊपर से उतरती हैं, ये गर्भ से जन्म लेती हैं या प्रवेश करती हैं? प्रवेश करती हैं। किसमें प्रवेश करती हैं? जो भी देवी देवता धर्म की भोली भाली आत्माएं हैं उनमें ही प्रवेश करती हैं। ये देवता धर्म वाले ही हिंदू बनते हैं, हिंदू से दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये भूत प्रेत आत्माएं जो हमारी बुद्धि को क्या कर रही है? खराब कर रही है। तो लोग कहते हैं तुम्हारा ज्ञान ईश्वर का ज्ञान है, तो फिर परिवर्तन क्यों नहीं दिखाई देता? अरे ईश्वर का ज्ञान तो है लेकिन लड़ाई भी तो चल रही है। इस सभा में भी पता नहीं कितनी भूत प्रेत आत्माएं मंडराए रही होंगी। वो ईश्वरीय ज्ञान सुन भी रही हैं, लेकिन आमने सामने आकर विरोध नहीं कर सकती।
क्योंकि जानती हैं लूपोल किसमें है, उनके अंदर खुद लूपोल भरी हुई है, इसलिए मुकाबला नहीं कर सकते। जैसे बेसिक के ब्राह्मण कभी सामने आकर के मुकाबला करते हैं ज्ञान की बातों को लेकर के, नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्यों? उनके अंदर खुद ही लूपोल भरी हुई है। ये सारे ही कौरव और रावण संप्रदाय हैं, ये जल्दी सुधरने वाले नहीं हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि हैं। ये भूत टाइम टू टाइम हम बच्चों में प्रवेश करते रहते हैं। क्यों प्रवेश करते हैं? इसलिए प्रवेश करते हैं कि हम बाप की श्रीमत पर पूरा पूरा नहीं चल पा रहे हैं। बाप की श्रीमत है अपन को आत्मा समझो। सूक्ष्म शरीर तो फिर भी बड़ा होता है, आत्मा तो बिंदी है, तो बिंदी आत्मा में सूक्ष्म शरीर कैसे प्रवेश करेगा? इसलिए कोई भी मुरली ऐसी नहीं जाती जिसमें बाप ये याद नहीं दिलाते हो कि अपन को आत्मा समझो। आगे चल करके ये रहस्य समझ में आवेगा। आगे जब ताबड़तोड़ विनाश होगा, मौत का बाजार खुलेगा, बॉम्ब फूटेंगे, भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी फटेंगे, पृथ्वी डोलेगी, तो ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें धराशायी हो जाएंगी। 100-150 मार की बिल्डिंगें बनाई हुई हैं, ये गिरेंगी तो इनमें रहने वाले ढेर के ढेर मर पड़ेंगे। अचानक मौत होगी या सहज मौत होगी? अचानक मौत होगी तो ये भूत प्रेत बनेंगे या देवता बनेंगे? क्यों बनेंगे भूत प्रेत? नहीं, अंतमते सोगते होगी, हाय हाय करके शरीर छोड़ेंगे, दुख में ही स्टेज में शरीर छोड़ेंगे। इसलिए ये भूत प्रेत बनेंगे। भूत प्रेत बन करके ये वायुमंडल में फैल जाएंगे। इनकी गति कहां से होगी? इनको अपना शरीर तो है नहीं, क्या करेंगे? किन में प्रवेश करेंगे? देवी देवता सनातन धर्म की जो 33 करोड़ आत्माएं हैं, उन्हीं में इनका प्रवेश होता है। ये प्रवेश होते रहेंगे, बुद्धि खराब करते रहेंगे। इसलिए बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझो। नहीं समझेंगे तो ये भूत प्रेत आत्माएं प्रवेश करके तुम्हारे से पाप कर्म करवाएंगी। तुम चाहते हो कि हम पाप न करें, फिर भी कराएंगे। अंदर अंदर अनुभव भी करते हैं कि अरे, हमने तो पक्का दृढ़ निश्चय कर लिया था कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, फिर भी पता नहीं जाने क्या हो जाता है। ऐसे अनुभव होता है ना, प्रैक्टिकल अनुभव है, प्रैक्टिकल गीता ज्ञान है। इन भूतों पर हमें विजय पानी है। अगर विजय पानी है तो पहला अभ्यास पक्का क्या करना है? अमृत वेले उठते ही सारे दिन का फाउंडेशन पक्का डालना है। मैं ज्योति बिंदु स्टार आत्मा हूँ, स्टार के सिवाय और कुछ भी दिखाई न दे, कोई संकल्प और ना आने दे, ना अच्छा संकल्प आने दे ना बुरा संकल्प आने दे। 2-5-10 मिनट का फाउंडेशन भी अगर पड़ गया पक्का, तो सारा दिन स्थिति अच्छी बनी रहेगी। और मुरली में कहा है कि खबराई जन्म जो बच्चे लेते हैं
वही मुझे पहचानते हैं। हाँ, वही 84 जन्म जो बच्चे गिरते हैं, 83 जन्म गिरते हैं तो देते। अगर 84 जन्म नहीं गिरते, जो बच्चे 83 जन्म गिरते हैं वो पहचानते हैं या नहीं पहचानते? जो 83 जन्म लेते हैं और 83 जन्म गिरते हैं वो पहचानते हैं या नहीं पहचानते हैं? लेकिन प्रीत बुद्धि नहीं होती है, रिपीट बुद्धि नहीं। 83 जन्म लेने वाले स्वर्ग में आते हैं या नहीं आते? नहीं आते। जो सतयुग में राधे कृष्ण होंगे उनके जो बच्चे बनेंगे वो 83 जन्म लेंगे। सतयुग का दूसरा नारायण और नारायणी 83 जन्म लेंगे, उनके फॉलोअर्स 83 जन्म लेंगे या 84 जन्म लेंगे? 83 जन्म लेंगे। तो वो स्वर्ग में आवेंगे या नहीं आवेंगे? स्वर्ग में तो आवेंगे, लेकिन द्वापर युग से दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसलिए उन नारायणों का कोई गायन नहीं होता। शास्त्रों में 7 नारायणों का कोई गायन है? उनके चित्र बनते हैं, उनकी पूजा होती है? नहीं होती। सप्त ऋषियों के रूप में गायन है, पूजा नहीं होती है। पूजा वास्तव में पक्के देवी देवता सनातन धर्म के जो हैं, उनकी पक्की पूजा होती है। हाँ, तो आपका प्रश्न पूरा नहीं हुआ। तो बाबा कहते वही बच्चे मुझे पहचान पाते हैं। मुझे पहचानते हैं। पहचानते हैं। जो पूरे 84 जन्म लेते हैं। हाँ, पूछना क्या है? तो वही बच्चे मुझे पहचानते हैं और मुझे याद करते हैं। ठीक है, अब आप पूछना क्या चाहते हैं? तो अभी इसका रहस्य क्या है? यही तो रहस्य है कि जो संगम युग में आते हैं, जो बच्चे संगम युग में आते हैं और बाप को पहचानते हैं, जो सतयुग में जाके जन्म लेंगे लेकिन संगम युग में अपने शरीर से नहीं पहचानते, जैसे ब्रह्मा सरस्वती, कुमारका दादी, चंद्रमणि दादी, जगदीश भाई, बिश्किशोर भाऊ, 84 जन्म तो लिए लेकिन बाप को नहीं पहचाना। सतयुग में जन्म तो लेंगे पहले जन्म में। ब्रह्मा सरस्वती जैसी आत्माएं 84 जन्म भी लेंगी लेकिन अपना शरीर रहते रहते बाप को नहीं पहचाना। इसलिए श्रेष्ठ आत्माएं वो हैं जिन्होंने ये शरीर रहते रहते बाप को पहचान लिया और बाप की बनाई हुई राजधानी में पद ले लिया। अपने शरीर से जो नहीं पहचानते वो सूर्यवंशी में नहीं आते हैं? सूर्यवंशी में नहीं आए। 84 सूर्यवंशी में नहीं आए। ब्रह्मा सरस्वती की आत्माएं 84 जन्म लेती हैं या नहीं लेती है? लेती हैं। उनके 13 जन्म त्रेता में हो जाएंगे। तो 84 जन्म तो लिए लेकिन डायरेक्ट भगवान बाप से वर्षा नहीं मिलता। उनको वर्षा मिलेगा देवताओं से, भगवान से उनको प्राप्ति नहीं होती। कमजोर पड़ जाते हैं, बुद्धि कमजोर पड़ जाती है, आत्मा कमजोर हो गई, कन्वर्ट से भी नीचे गिर गए, बिल्कुल अंधे हो गए। ज्ञान के सोजरे रहे या अंधे रहे? भगवान बाप आ गया फिर भी
फिर भी धृतराष्ट्र की तरह अंधे होकर के रहे, पहचाने नहीं। और सब आत्माएं परमधाम में इकट्ठे नहीं जाएंगे, पहले सूक्ष्म वतन में जाकर के इकट्ठे होंगे, फिर सूक्ष्म वतन से नंबरवार परमधाम जाएंगे। तो ये सूक्ष्म वतन कहाँ है? सूक्ष्म वतन आत्मा की ऊंची स्टेज है, ऐसी ऊंची स्टेज है जहाँ देह का भान नहीं रहता। और संख्या होती है बेगर टू प्रिंस बनने वालों की, कितनी संख्या होती है? 16,000 ही। 16,000 ज्यादा से ज्यादा बेगर टू प्रिंस बनते, प्रिंस प्रिंसेस की संख्या त्रेता के अंत में 16,000 पूरी होगी। त्रेता के अंत में जाकर 16,000 भी पैदा हो जाएगा, एक जन्म के लिए प्रिंस बनेगा 16,000। और प्रिंस बन के बस प्राप्ति पूरी हो गई, जन्म जन्मांतर का प्रिंस नहीं बनेगा। जो पहले नंबर का प्रिंस बनेगा वो अनेक जन्म की प्राप्ति करेगा। पूछना क्या है? जो 4.5 लाख 4.5 लाख तो प्रजा वर्ग है, प्रिंस प्रिंसेस बनने वाली तो राज परिवार में जन्म लेती है। जो राज परिवार में जन्म लेते हैं वो राज घराने के हो गए, उनको प्रजा नहीं कहेंगे। प्रजा का कोई पद नहीं होता, प्रजा ने कोई पुरुषार्थ नहीं किया पवित्र रहने का, संदेश लिया और गए। जो पुरुषार्थ करने वाले हैं, भगवान बाप से ज्ञान सुनते हैं, धारण करने का पुरुषार्थ करते हैं, प्रैक्टिकल जीवन में धारण करने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, उनकी संख्या टोटल 16,108 है। ब्रह्मा बाबा ने मम्मा को अलौकिक कन्या के रूप में निमित्त बनाया, तो एडवांस पार्टी में राम बाप ने भी तो कमला माता को अलौकिक बाप की कन्या को निमित्त बनाया है? अलौकिक बाप की कन्या को निमित्त बनाया तो बाप की पवित्र प्रवृत्ति कैसे कहेंगे? क्यों, जगदम्बा टाइटल नहीं हुआ? आपने लिख के नहीं दिया? जगदम्बा टाइटल ही नहीं, ये भी साबित हो गया कि यज्ञ के आदि में असली जगदम्बा वो ही थी। वो टाइटलधारी जगदम्बा तो ओम राधे थी, क्योंकि उस समय ब्रह्मा बाबा की उम्र 60 साल और उसकी उम्र 14 साल। ये तो सन 76 की बात है, सन 76 में कमला माता की उम्र तो 10 साल थी और 5 साल पुरुषार्थ करने के बाद 16 साल उम्र हुई। तो भी 82-83 में, जब 83 में 13 हुआ तो उम्र कितनी हुई? 40 साल। 40 साल और 16 साल की उम्र बाप बेटी की उम्र होती है या पति पत्नी की भी हो सकती है? हैं? पति पत्नी की भी हो सकती है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। और वहां तो घोषणा कर दी
क्या कमला देवी दीक्षित ने खुद ही कमला देवी दीक्षित बनने की घोषणा कर दी। मैं क्या हूं? दीक्षित हूं। तो माता पिता का संबंध हुआ या कोई दूसरा संबंध हुआ? माता पिता का संबंध हुआ। ब्रह्मा कुमारियां भट्टी करके फिर बाबा को छोड़ देते हैं। सेंटर इंचार्ज बनकर बाप को गुप्त और स्वयं को प्रत्यक्ष कर रही है। और कहती हैं कि हम लास्ट में बाबा के पास जाएंगे। विजयमाला में जाएंगे तो क्या वो विजयमाला का दाना बनेंगे? है जो एक बार ट्रेटर बन जाते हैं, छोड़ देते हैं बाप का बनने के बाद, उनका वो पद नहीं बन सकता जो पहले बनना था। बल दोबारा पुरुषार्थ करें, दोबारा ज्ञान में चल पड़े, कुछ न कुछ प्राप्ति करेंगे, लेकिन जो पहली बार में प्राप्ति करनी थी वो प्राप्ति नहीं हो सकती। क्या क्या भक्ति मार्ग की बातें पूछ रहे? हाँ बोलो बोलो। और यू सेकंड के अधीन हो गए, सेकंड के प्रभाव में आ गए, जिस भगवान सर्वशक्तिमान है। ईव जो है वो जगदम्बा है ना। ईव कौन है? जगदम्बा है। तो जो जगत की अम्बा है वो 500 करोड़ की अम्बा है या सिर्फ देवताओं की अम्बा है? 500 करोड़ की अम्बा है। तो 500 करोड़ में विधर्मी और विदेशी आत्माएं आती हैं या नहीं आती हैं? विधर्मी और विदेशी आत्माओं के संसर्ग और संपर्क और संबंध में जब वो आत्मा आएगी तो मेंटलिटी नीचे गिरेगी या नहीं गिरेगी? उस आत्मा के अंदर वो स्वभाव संस्कार नुदे हुए पड़े ईव में। इसलिए जैसे ही द्वापर शुरू होता है पहले पहले उसकी बुद्धि नीचे आती है। बाद में इस्लाम धर्म की जो बीज रूप आत्मा है उसकी बुद्धि नीचे आएगी। फिर जो आधार मूर्त आत्मा है उसकी बुद्धि नीचे गिरती है, क्योंकि ऊपर से आने वाला धर्म पिता उसमें प्रवेश करना है। इसलिए ये कोई नई बात नहीं है कि माता की बुद्धि नीचे क्यों गिरती है। संग के रंग की बलिहारी है, संग तारे कुसंग बोरे। माताओं को ज्यादा संग का रंग लगता है, कन्याओं को ज्यादा संग का रंग लगता है या पुरुषों को ज्यादा संग का रंग लगता है? कन्याओं माताओं को ज्यादा संग का रंग लगता है। इसलिए भारत में कन्याओं माताओं को बहुत हिफाजत से रखा जाता है। गीता में भी लिखा हुआ है कि स्त्रियां जब प्रदूषित हो जाती हैं अनेक पुरुषों के साथ, व्यभिचारिणी बन जाती हैं, तो सारे देश का पतन हो जाता है, सारा समाज का पतन हो जाता है। भगवान ने आकर के भारत में ये पढ़ाई पढ़ाई है कि कन्याओं माताओं की ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा करनी चाहिए। पांडवों का मुख्य कर्तव्य क्या है? शक्तियों की रखवाली करना।
और कर्तव्य बाद में, ज्ञान सुनाना बाद में। पहला कर्तव्य है भीमसेन का कर्तव्य। और ब्रह्मा का पार्ट होता है और दृष्टि वाली आत्मा सबको सती का ना पहला नारायण सती जिनका पहला पत्ता है वो नहीं पहचाना। वो अपने बाप से वर्षा लेती है, उसको जन्म देने वाला कोई बाप होगा कि नहीं? उसको जन्म देने वाला कोई बाप होगा? कौन होगा? राम बाप होगा या नहीं होगा? राम वाली आत्मा ने यज्ञ के आदि में भी कृष्ण वाली आत्मा को जन्म दिया या नहीं दिया? ब्रह्मा बाबा को अपने आप पता चल गया कि मैं कृष्ण वाली आत्मा हूँ? कोई माता ने बताया ना, तो माता से जन्म मिला ना, उस माता में कोई ने बीज डाला होगा ना, तो यहाँ शूटिंग होती है और सतयुग में प्रैक्टिकल होता है। जिस माता ने दादा लेखराज की बुद्धि में ये बात डाल दी कि तुमको सतयुग में कृष्ण के बच्चे के रूप में, कृष्ण बच्चे के रूप में जन्म लेना है, यहाँ तुमको ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाना पड़ेगा, तो जैसे जन्म हो गया वही माता वहां प्रैक्टिकल में जन्म देने के निमित्त बनती है। उस माता में जिसने ज्ञान का बीज डाला वो पिता बनता है। तो राम वाली आत्मा यज्ञ के आदि में प्रजापिता थी, उसके द्वारा बीज पड़ा ज्ञान का, कृष्ण वाली आत्मा ने जन्म लिया। 46-47 में ब्रह्मा बाबा को पक्का निश्चय बुद्धि हो गया, जब सिंध हैदराबाद से सैकड़ों की तादाद में तालों को तोड़ ताड़ करके और बाबा के यज्ञ में आ गई, ढेर की ढेर कन्याएं माताएं, तो बाबा का निश्चय पक्का हो गया कि मैं ही कृष्ण वाली आत्मा हूं, मेरे द्वारा ही ब्रह्मा का पाठ चलना है। और उनके निश्चय बुद्धि के आधार पर उनकी विजय दिलाने के लिए शिव बाप ने उनमें प्रवेश कर लिया। हिम्मत है बच्चे मददे बाप हो गया। बाबा जब बेचारी के राम बाप ने शहीद हुआ तो बाबा जिस माता की तबीयत लिखा देते और ब्रह्मा बाबा पढ़ते थे, लिखते थे रात में, लिखते थे और बाद में उसकी कॉपी निकाली जाती थी, पढ़ते थे। बैठक उसी माता द्वारा बाप को मुझे शरण किया हाँ, तो जिसके तन के द्वारा बोलते थे वही ब्रह्मा साबित हो गया। जिसके द्वारा दिखाई हो तो ब्रह्मा बाबा थे ना, तो उन्होंने बातें सुनाई होगी। इन्होंने ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा ने डायरेक्ट सुनाई बाद में, जब उनको निश्चय हो गया तब। नहीं, तब तो छोटी शहर की बात है, छोटी शहर की बात है। फोर्टी सिक्स से पहले ब्रह्मा बाबा को निश्चय ही नहीं था अपने ऊपर कि मैं ब्रह्मा की आत्मा हूँ, मैं कृष्ण के रूप में जन्म लूंगा। जब उनको पक्का निश्चय हो गया तब प्रवेश किया। नहीं, प्रवेश की बात नहीं है, जो मुरली दिखाते थे ब्रह्मा से बाबा माता द्वारा सुना देते। हाँ, 7 साल की उम्र होगी तभी तो शिव बाप प्रवेश करेंगे। प्रवेश की बात नहीं है, ब्रह्मा जब मुरली सुनाते थे
जो माता कैसी थी और बाबा नीचे थे तो बाबा को डायरेक्ट होती उसी माता द्वारा क्यों ब्रह्मा जी क्यों दिखाते इसलिए नहीं चलाई कि वो स्त्री चोला था नहीं ये बोला है कि मैं जिस तन में प्रवेश करूंगा उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े तो प्रवेश तो हुआ बिना प्रवेश हुए लिखवाएंगे कैसे ये तो साबित हो गया कि हाँ प्रवेश हुआ तभी उसने लिखवाया और ब्रह्मा बाबा ने लिखा ठीक है अभी माता श्री चोला का श्री चोला की वजह से उन्होंने लेक्चर नहीं दिया पब्लिक के सामने लेकिन जो प्रजापिता थे उस समय भी तो उन्होंने नहीं दिया किसने प्रजापिता ने जब इधर मुख से सुनाया लेकिन वो भी तो लिख के और ब्रह्मा बाबा ने सुनाया वो तो बाद की बात है जब प्रजापिता चला गया तब प्रजापिता के जब प्रजापिता थे हाँ समय भी रात के 2 बजे से उठ गए नहीं 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 प्रजापिता खुद ही पीयू की वाणी चलाता था वो पीयू की वाणी पाकिस्तान में लोहे के बक्से में दाब करके गाड़ करके आ गए गीता माता में प्रवेश करके बोलते थे और ब्रह्मा बाबा लिखते थे फिर उसकी वाणी सुनाई जाती थी वो पढ़ करके और उन्होंने चलाना शुरू किया है 46-47 से जब ढेर की ढेर कन्या माताएं सिंध हैदराबाद से भागकर कराची पहुंच गई बाबा के पास तो बाबा का नशा चढ़ गया और क्या चला रहे हैं तुम क्या जो दूसरा समझ रहे हो तुम्हें कैसे मालूम दूसरा चला रहे तुम्हें जो कुछ सुनाई दी पड़ रहा है वो झूठा सुनाई पड़ रहा है या सच्चा सुनाई पड़ रहा है तो सच्चाई सुना रहे हैं पहले भी सच्चाई सुनाई थी अभी भी सच्चाई सुना रहे डायरेक्ट सुनाई थी ना अभी भी डायरेक्ट सुना रहे अभी पढ़ के सुना रहे ये पढ़ने वाली ब्रह्मा की सोल है कि राम वाली आत्मा है दस तेरे की नहीं तो है तो आधी नारी लेके ऊपर बैठ गया हाँ माता की दूसरी वाणी चलेगी आधी राधा गीता माता की दोनों जन्म हाँ आधी राधा के चलाई नहीं नहीं गीता माता के द्वारा चलाई उसका कोई प्रूफ नहीं मिलता उस समय उस माता में प्रवेश करके वाणी चलाई इसका कोई प्रूफ नहीं मिलता क्योंकि मुरली में सिर्फ इतना आया है 10 वर्ष से रहने वाला ध्यान में जाती थी माने 2 थे बस जैसे पतला ज्ञान है और ज्ञान के आधार पर बातों में चल रहा है इसी तरह से जगदम्बा नहीं उसको जगदम्बा नहीं कहेंगे जगदम्बा सतो प्रधान स्टेज का नाम है हाँ प्रकृति दोनों का सपना करेगी हाँ उसको काली माता कहते हैं दोनों हाथों में तलवार लेके जाती तलवार नहीं झाड़ू अरे झांसी की रानी कोई देवी नहीं थी वो तो हिंसा करने वाली थी उसको देवी नहीं कहेंगे देवी देवता की जो शूटिंग है वो संगम में होती है कलयुग में कोई देवी देवता नहीं होते हाँ झाड़ू लेके कीड़े मकोड़ों का सफाया करती है हाँ तो फिर बोलो हाथों में तलवार लेके फिर वही तलवार तलवार अलग चीज तलवार से सर काटे जाते हैं
देह अभिमान अलग किया जाता है और आत्मा अलग की जाती है। झाड़ू से कोई सर नहीं काटे जाते हैं, झाड़ू अलग बात, झाड़ू तो कोने में रख दिया जाता है और तलवार, तलवार कहीं नहीं कोने में रखी जाती है। और बस वही ब्रह्म बाबा के समय स्वामी को जी दो जी बोली आत्माएं श्री जारी होती पहले, लेकिन उनसे ज्यादा पाप न हो कि शास्त्री को कुछ नहीं श्री जारी क्या ब्रह्म बाबा के समय जमी आत्माएं है वो श्री जारी होती पहले शरीर छोड़ने के बाद जो जो विश्व किशोर भाव हैं वो शरीर छोड़ने के बाद अभी प्रवेश नहीं कर रहे हैं। तो जितने भी नारायण हैं चाहे जगदीश भाई हो चाहे विश्व किशोर भाऊ हो चाहे आनंद किशोर हो वो शरीर छोड़ने के बाद प्रवेश करके पार्ट बजाते हैं, क्योंकि उन्हें बेसिक पे विश्वास है, ब्रह्मा बाबा तक विश्वास है, इससे आगे का जो पार्ट है उसके ऊपर विश्वास नहीं होता। प्रवेश करके सुनती है, प्रवेश करके वो पहले विरोध करेंगी कि पहले अवरोध करेंगी, विरोध कर रही है। हाँ जी बाबा, आगे चल के जब 8-10-12 आत्माएं प्रवेश करेंगी एडवांस पार्टी में, अभी तो ऐसा, अभी तो ऐसा ऐसा हो रहा है कि जो कन्याएं सरेंडर करते हैं उन कन्याओं को भी गंदा पहले बनाते हैं और गंदा पना करके फिर जाकर के सरेंडर कर आते हैं ताकि वो कन्याएं उन्हीं को याद करती रहें। ये सोल नहीं प्रवेश कर रही है, जो मुसलमानों ने धंधे किए हैं भारत की कन्याओं को उठा उठा के ले जाते थे और उन्हें मुसलमान बनाते थे, सारी शूटिंग तो यहाँ होती है, डेड नहीं हो जाती है, उनको भी खबर रहती है लेकिन कुछ कर नहीं सकते, कमजोर पड़ जाती है। है अभी परम धाम से आ रही है वो तो यहाँ ज्ञान में है, इनसे कोई मतलब ही नहीं। अभी जो आत्मा है रामदेव की आत्मा है परम धाम से आ रही, रजनीश की आत्मा परम धाम से आ रही, ये इनका तो कोई मूल्य ही नहीं, ये तो कहीं लास्ट में जाकर के ज्ञान में आएंगे, थोड़ी बहुत प्राप्ति कर लेंगे उसका, ये अपना उजूरा दिखा रहे हैं। हाँ यज्ञ के आदि में आई ना, असुरों का जन्म पहले होता है या देवताओं का जन्म पहले होता है? असुरों का जन्म पहले होता है। बाबा विनाश का क्यों नहीं अनुभव, विनाश हो